जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों द्वारा कायरतापूर्ण हमले को शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को कांग्रेस पार्टी की ओर से इनके चित्र पर फूल माला अर्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह में शहीदों को मेरा लाल सलाम, शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, आतंकवाद मुर्दाबाद आदि नारों को बुलंद करते रहे लोग। श्रद्धांजलि सभा में बाबूलाल सिंह, राम प्रमोद सिंह, आनंद गुप्ता, शिव कुमार चौरसिया, राम प्रवेश सिंह, गौतम सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने शामिल हुए। पुलवामा जिला में आतंकवाद के कायरतापूर्ण हमले में सीआरपीएफ के मारे गए जवानों के प्रति आज पूरी देश की जनता आहत है और मर्माहत है और साथ ही साथ आक्रोशित है। आज गया में गया के हृदय स्थली टावर चौक पर हम उन वीर जंबाज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सारे शहरवासी आज यहाँ जुटे हुए हैं और उनका एक ही नारा है कि आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद से कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। और वीर सपूतों को वो सलामी देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज पूरा देश आतुर है। और हमारे देश में चाहे हम उत्तर से चले या दक्षिण से चले, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां के वीर सपूत, वीर जंबाज अपनी प्राण की आहुति इस देश के लिए नहीं दिए हैं। आज पूरी देश की जनता सरकार के साथ एकजुट होकर के खड़ी हुई है और सबों की इच्छा है कि आतंकवाद का जड़ मूल से सफाया हो और पड़ोसी देश जो हम पर आंख दिखाए उसे आंख निकाल लेना होगा। और हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारों को बुलंद करते हुए पूरे देश की जनता आज सड़क पर है। पूरे देश में आज राष्ट्रीय शोक की तरह पूरा देश बंद है। सब लोग, कोई भी इससे अछूता नहीं है। स्कूली छात्र, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, सभी लोग आज सड़क पर है। और ये एकजुटता ये प्रमाणित करता है कि भारतवर्ष से आतंकवाद को जड़ मूल से इस देश की सवार अब जनता उखाड़ फेंकेगी। रिपोर्ट बाय प्रवीण ओझा, समाचार इंडिया न्यूज़।